मजहूल। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि फेल मजहूल, फेल का तो आपको पता है, फेल कहते हैं काम को, करने। और मजहूल के बारे में हमने इसकी शुरू में जो तारीफें पढ़ी थी उसमें हमने फेल मजहूल की तारीफ पढ़ी थी, याद है आपको? जी वो फेल जिसका फाइल मतलब फाइल मालूम ना हो यानी करने मालूम ना, वाला, बिल्कुल माशाल्लाह, वो फेल जिसका जिसका फाइल मालूम फाइल किसने मालूम ना हो, यानी हमें ये नहीं पता कि ये काम किसने किया है। किया। जी बिल्कुल माशाल्लाह, जैसे कि इसकी तारीफ आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही है, फेल मजहूल वो कर फेल है जिसका फाइल मालूम ना हो, फाइल यानी काम करने वाला। मिसाल इसकी जैसे जुरिबा जैदुन, जैद मारा गया। अब यहाँ देखिए मिसाल में साफ साफ हमें समझ आ रही है कि जैद मारा गया यानी जैद को किसी ने मारा। अब जी मारने वाला कौन है वो हमें मालूम नहीं है, नहीं। तो इसके लिए हमने इस्तेमाल किया सीगा जुरिबा। जैसे हमने पढ़ा था जाराबा, ठीक है, फिर अब आ रहा है जुरिबा। जुरिबा जब करेंगे तो ये फेल मजहूल का सीगा होगा, मजहूल यानी छुप जाना, किसी चीज का छुपा हुआ होना। अक्सर आपने सुना होगा ना जब हम तजवीद करते हैं तो उसमें कहा जाता है कि ये हरकात जो हैं इन्हें मजहूल ना पढ़ें, इन्हें मारूफ पढ़ें, यानी कुछ ऐसी हरकात होती हैं जिन्हें जाहिर करना होता है और कुछ ऐसे हरूफ होते हैं जिन्हें हम छुपा के पढ़ते हैं। इसी तरह फेल मजहूल जो है वो फेल होगा जिसका फाइल मालूम ना हो, यानी हमें ये पता ही नहीं कि काम करने वाला कौन है। जैसे इस मिसाल से हमें अच्छे से समझ आ गई, जुरिबा जैदुन, जैद मारा गया। अब ये तो हमें पता है जैद मारा गया, लेकिन ये नहीं पता कि जैद को मारने वाला कौन है। बिल्कुल माशाल्लाह। उसके बाद देखें, अब फेल मारूफ पहले हमने किया, जैसे कि आपने गर्दान की ना, माजी मुसबत मारूफ, मारूफ हमने की। अब हम करेंगे माजी मजहूल। अब माजी मजहूल हम तब करेंगे जब हमें इसका कायदा मालूम होगा कि माजी मजहूल जो है उसका कायदा क्या है। तो अब हम इसका कायदा समझेंगे कि माजी मारूफ जो है उससे माजी मजहूल बनाने का कायदा क्या है। माजी मारूफ के सीगा वाहिद मुजक्कर गाइब के आखिरी हर्फ को उसके हाल पर छोड़ो और आखिर से पहले वाले हर्फ को जेर दो अगर उस पर जेर ना हो, और बाकी जो भी मुतहर्रक हर्फ हो यानी जिस पे भी हरकत हो उसको पेश दो, माजी मजहूल बन जाएगा। अब अगर आप कायदे की तरफ देखें ना तो इसकी इबारत पढ़ते हुए बहुत मुश्किल लग रही है, मतलब कायदा पढ़ने में बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन अभी जब हम इसको समझेंगे सीखेंगे तो फिर आपके लिए ये बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब माजी मारूफ जो हमने गर्दान की थी उसका पहला सीगा हमने क्या किया था, फाला जरा के वजन पे बताइए। बा जब भी इसका कहा सीगा बनाएंगे कोशिश करनी है फा ऐन लाम हरूफ असली जो है उसके वजन पे पहले ट्राई करें, फिर जी उसके बाद दूसरे, ठीक है। हाँ अब हमने माजी मारूफ में किया था फा, ला बिल्कुल फाला। अब यहाँ देखें कायदा क्या आ रहा है, माजी मारूफ के सीगा वाहिद मुजक्कर गायब, सीगा आ गया हमारे पास, फाला ठीक है, बिल्कुल जी फाला। अब ये हमने पहली बात तो कर ली कंप्लीट, यानी हमने सीगा वाहिद मुजक्कर गायब ले लिया माजी मारूफ का। अब दूसरा काम हमने क्या किया, इस सीगे के आखिरी हर्फ को उसके हाल पर छोड़ दो। अब यानी आखिरी हर्फ कौन सा था, लाम 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 लाम, को ऐसे ही लाम को छोड़ना। हमने, बिल्कुल। अब इसको समझने के लिए हम कुछ और लेते हैं, जैसे अभी आपने भी कहा ये ले लेते हैं, ठीक है, लाम ज़रबा। अब जरा आखिरी जो हर्फ है उसको हमने उसके हाल पे ही छोड़ना है, तो यहाँ लाम के वजन पर कौन सा हर्फ आ रहा है, बा बा। तो बा पे हम क्या करेंगे, जबर होगा जबर सेम दे सेम ही देंगे, होगा। बिल्कुल सेम कर देंगे। उसके बाद ये भी अब हमने बात पूरी कर दी, और आखिर से पहले हर्फ को जेर दो। अब आखिर से पहला हर्फ कौन सा है, रा रा है, ठीक है, जी रा के नीचे हमने जेर दे दी।
जी अगर फाला से भी हम साथ साथ ट्राई करते रहते हैं, इस पे भी हम वही करेंगे। जी मम्मी आप बताएं इसमें लाम को हमने क्या करना है, इस उसको पे जबर देंगे, बिल्कुल जैसे कायदा है वैसे बताएं, इसके हाल पे छोड़ना है, इसके हाल पे। अच्छा जी, पहले हाल पे बिल्कुल छोड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा काम क्या करना है, आखिरी हर्फ को इसको छोड़ दिया, और उसके बाद दूसरा काम उसका जो आखिरी हर्फ है उसके ऊपर जबर जबर जी, जेर, जेर, सॉरी, हाँ जी जी जेर देंगे ठीक है, जी। बिल्कुल ये भी हमने कर दिया। आगे देखिए ये भी कायदे में शामिल है कि आखिर से पहले वाले हर्फ को जेर दो, अगर उस पर जेर ना हो, अगर जेर है तो फिर उसको वैसे रहने देंगे ठीक है। जी अब हमने आखिरी हर्फ भी कवर कर लिया, आखिर से पहले भी हमने कवर कर लिया, अब हमारे पास कौन सा हर्फ रह गया, सिर्फ फिर एक है एक ही दो, ठीक है ठीक है पहला। अब कायदे में क्या कहा जा रहा है, और बाकी जो भी मुतहर्रक हर्फ हो उसको पेश दो। अब यहाँ क्या बचा था हमारे पास, ये तो है, दौर दौर उसको पेश बचा था, पेश बिल्कुल आ इस पे पेश आ गया, और जाए, यहाँ फा बचा था, इस पे क्या आएगा, पेश आ जाए। पेश आ जाएगा। तो ये माजी मारूफ से माजी मजहूल बन जाएगा ठीक है। अब जी देखिए अगर सिर्फ हम कायदे पे तवज्जो देते ना तो हम कहते कितना मुश्किल है, ये क्या बात हो रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रही, लेकिन जब हमने इसको सीखा प्रैक्टिकल किया तो बहुत ही हमारे लिए आसान हो गया। अब दोबारा से हम लिखते हैं फा आइन लाम, अब फाला अगर होगा तो ये सीगा होगा कौन सा, फेल मारूफ का, जी जी माजी मारूफ का सीगा है ना, वाहिद मुजक्कर गाइब। अब इसको हमने फेल मजहूल बनाना है, फेल जी मजहूल बनाने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो फा आइन लाम लिखना है। अब हमने आखिर से क्या करना है, आखिर को वैसे ही सेम रहने देना है जी जैसे मारूफ में था। जी उसके बिल्कुल, बाद आखिर से पहले हर्फ पे हमने जेर देनी है जेर और देनी है, और बाकी जितने भी हर्फ बचेंगे जिन पे भी हरकत होगी ठीक है, यहाँ तो सिर्फ एक है ना, अगर कोई और सीगा आ जाता है फेल मजहूल का, आगे चल के आएंगे ना जैसे मुजारे के, अमर के, नहीं के, अभी सिर्फ हम माजी के सीख रहे हैं। अब यहाँ सिर्फ यही एक बचा था और यही मुतहरक था जबर के साथ, तो हमने इसकी जबर को किस में बदल देना है, पेश है पेश में, तो ये माजी मारूफ से माजी मजहूल हो गया। बन। तो अगर इससे पहले बाजी दूसरा हरफ हरकत आ, मतलब हरफ आ जाए तो फिर उस पे क्या करेंगे? जो फाला के वजन पे जो होंगे ना उसके साथ हम यही करेंगे, इसमें से हरूफे असली निकाला जाता है, फा ऐन लाम को ही देखा जाता है। जैसे अब मिसाल के तौर पे जैसे कुरान करीम में भी अक्सर आता है ना, मैं आपसे पूछती हूँ ये किसके वजन पे है, आप देखें जी जैसे ये, अब इसमें से यजरिबू, अब इससे जी असल पहले हम देखेंगे, जैसे इसको यफ इलू के वजन पे लिख लें ठीक है समझने के लिए। अब देखें यहाँ ये या के साथ या आ रही है, और फा की जगह पे दौद आ रही है, आयन की जगह पे रा आ रही है, और बा की जगह पे ला लाम आ रहा है। अब यहाँ सिर्फ हमने क्या नोट करना है कि फा के वजन पे क्या था, ये था, आयन के वजन पे ये था, लाम के वजन पे ये था, ये जो है ये एक्स्ट्रा है, इससे पता चलता है कि ये कोई और फेल है। अब यहाँ ये जो तीन इसमें हरूफे असली होंगे वो कौन से होंगे, फाइला बिल्कुल फा ऐन लाम होंगे, और दो इसके अलावा ये फाला जी हो गया, और यहाँ यजरिबू में दो हरूफे असली दो बिल्कुल दो दौद रा और बाबे दो ठीक है। इसी तरह जैसे हमने यहाँ पढ़ा कायदा, जब तीन हरूफ के अलावा कोई हर्फ होगा तो उसका हम वजन देखेंगे कि वो वजन कौन से फेल पे आ रहा है अच्छा ठीक है, उस ओके फेल के मुताबिक ही हम आगे जो है उसका सीगा जो है उसकी पहचान करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे आपको ये सीधा सीधा पता है कि फा ऐन लाम पे जो भी होगा वो माजी का सीगा होगा जी ठीक है, और इसके हमने तीन औजान किए, कौन कौन से, सबसे पहला तो यही फाला, दूसरा फाइला पावला और पा पा तीसरा पाइलू पाओला पाओला फाउला ठीक है। वाह आयन कलमा आपने चेंज करना है, बाकी कुछ भी जी नहीं
जी बिल्कुल। है, हाँ आप ये याद रखेंगे हाँ कि माजी जो है, माजी के तीन तीन औजार औजार हैं हैं, जी। और उसमें और कुछ भी आप लोगों ने नहीं किया, उसमें फा है, जी आइन है फाइन और लाम है। अब जो हरकत फा के ऊपर हमेशा जबर रहेगी, लाम के ऊपर भी जबर रहेगी, अगर जी बदलेगा तो आइन कलमा की हरकत, बिल्कुल ठीक है। पहले में हमने क्या किया, आइन पे जबर जबर, दूसरे में जेर, तीसरे में पेश, तीसरा पेश जी। ठीक है। तो आपने फाला फाइला फाउला, ये तीन औजान सिर्फ आप ये जहन में रख लें कि आइन की हरकत हमने बदली और हमने कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं बदला, था ठीक ठीक है। तो ऐसे फिर हमेशा जो है आप याद रखेंगे, फाला फाइला फाउला, पाउला शुरू में भी जबर, आखिर में भी जबर, सिर्फ आइन की हरकत, पहले जबर फिर जेर फिर पेश। और वैसे भी आपको पता है सिंगल हरकात जब भी हम याद करते हैं, जबर जी जेर और उपेश पेश ऐसे ही याद करते हैं जी ना, जी जी तो बिल्कुल ये मेरे ख्याल से ये बहुत आसान तरीका है इसको याद रखने का। ठीक अब फेल मजहूल बनाने का तरीका आ गया आपको, जी आ गया ठीक है, माशाल्लाह। अब देखिए यहाँ एक और मिसाल, आप देखिए यहाँ सामी आ है, जी। तो ये सामी आ जो है, अगर फा ऐन लाम होता तो ये सामी आ के वजन पे हम इसको कैसे सेट करते। फाइला फाइला बिल्कुल माशाल्लाह, फाइला। अब मुझे ये बताएं कि ये कौन सा फेल है, मतलब है तो फेल माजी है, फेल माजी मारूफ है, लेकिन गर्दान कौन सी गर्दान का ये सीगा कहलाएगा। माजी का माजी का बिल्कुल, कौन सी गर्दान का, फिर माजी माजी मकसूर में मकसूरुल ऐन के गर्दन का बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह आपने माजी की तीन गर्दाने की हैं, फेल माजी माजी मुसबत मारूफ की आपने तीन गर्दाने की हैं, माजी मफतूहुल मफतूहुल आइन आइन, मकसूरुल आइन मदमूमुल आइन बिल्कुल मदमूमुल माशाल्लाह, ये कौन सी गर्दान का सीगा कहलाएगा, ये मकसूरुल आइन मकसूरुल आइन, ठीक है। अब देखिए अगर आपने सिर्फ वो जहन में रखा होता फाला, और ये वजन आपने ना पढ़ा होता, तो आप समझते कि ये गलत है, ये जी मीम के नीचे जेर कैसे आ गई, ये कौन सा सीगा है, बिल्कुल हमने तो फा ला पढ़ा था, ये फाई ला है, ये गलत होगा। तो इसीलिए आपने जो तीन औजान पढ़े उसका मकसद यही है कि जब भी आपके सामने ये मकसूरु लाइन आएगा, मफतूहु लाइन आएगा, मदमूमु लाइन आएगा, तो आप फौरन समझ जाएंगे कि ये माजी की माजी गर्दान का सीगा है, ठीक है माशाल्लाह। अब यहाँ दूसरी जो मिसाल है सामिया, अब यहाँ देखें हमने क्या कायदा पढ़ा था, सामी आ जो है ये तो सीगा हो गया किसका, माजी मकसूर है माजी मकसूरुल आइन और मारूफ, ठीक है। मारूफ जी अब इससे हम फेल मजहूल कैसे बनाएंगे, हमने क्या कायदा पढ़ा था कि आखिरी जो है कलमा ऐसे ही रहने देंगे ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ आखिरी कलमे में क्या आ रहा है, आइन, आईना आइन के ऊपर कौन सी हरकत आ रही, जबर है जबर जबर, हमने जबर को जबर ही रहने दिया। जी। उसके बाद हमने तीसरी बात क्या पढ़ी थी, आखिरी से पहले हरफ आखिर पर जेर आएगा से पेश पहले हरफ आएगा पर जेर, यहाँ आखिर से पहला मीम हरफ कौन सा है, मीम, मीम तो मीम पे क्या आएगा, जेर जेर आ जाएगी। उसके बाद हमने आखिरी काम क्या करना है, जो मुतहरक जो हरफ होगा उस पर पेश आएगा पहला, बिल्कुल। अब यहाँ किस पे पेश देंगे, पहले हरफ पे सीन पे तो सीन पे, बिल्कुल माशाल्लाह। तो ये सामी यहाँ से क्या बन गया, मैं आ सोमी आ, ठीक है। अब यहाँ तक समझ आ गई आपको, जी आगे ठीक है माशाल्लाह। अब यहाँ देखें इसके बाद इसकी मुकम्मल गर्दान है, फेल माजी मुस्बत मजहूल की। अब सबसे पहला सीगा पुइला, ठीक है, जी फुइला, और ये फुइला कौन सा सीगा है, ये वाहिद उसका मुजक्कर गायब का बिल्कुल वाहिद मुजक्कर गायब का, नाइस बिल्कुल माशाल्लाह। उसके बाद देखिए फुइला तस्निया मुजक्कर गायब, कर उसके बाद रहा है जमा बिल्कुल मुझे फुइलू जमा मुजक्कर कर रहा गायब, बिल्कुल। उसके बाद फाइल फुइलत, फुइलत जी फा के ऊपर फाइल पेश पढ़ेंगे, ठीक है, जी जी हाँ ठीक बिल्कुल। वाहिद फुइलत कौन सा है, मोना साहिब वाहिद बिल्कुल मोना वाहिद मोना मुअन्नस साहिब गायब,
जी वो जमा इला था तस्निया मुन्नस गायब, वो इलना जमा मुन्नस गायब, वो मुझक्कर इलता हाजिर, बिल्कुल वाहिद मुझक्कर हाजिर, वाहिद मुजक्कर हाजिर, फोइल तुमा तस्निया तस्निया मुजक्कर मुझक्कर हाजिर, हाजिर बिल्कुल माशाल्लाह, फोइल तुम जमा मुझक्कर जमा हाजिर, मुजक्कर बिल्कुल, वाहिद फोइल ती मुअन्नस मुअन्नस, हाजिर, फोइल तुमा तस्निया मुअन्नस हाजिर, फोइल तुन्ना जमा जमा मुअन्नस मुझक्कर हाजिर, बिल्कुल, फोइल तू वाहिद बिल्कुल, मुतकल्लम, फोइल मुअन्नस ना ठीक मुझक्कर, जमा मुझक्कर, मुअन्नस मुतकल्लम है। अब इसमें देखें सारा कुछ वैसा ही है, सिर्फ हरकात जो है वो तब्दील हुई हैं, और तर्जुमा वहां हमने किया था फाला का तर्जुमा क्या किया था, या एक एक मर्द ने मर्द जी, क्या एक मर्द है, बिल्कुल, अब यहाँ फुइला का तर्जुमा क्या किया जा रहा है, या क्या वो एक मर्द, बिल्कुल किया गया वो एक मर्द, किया गया वो एक मर्द, जैसे कि आपको यहां भी नजर आ रहा है। अब देखें जैसे हमने मिसाल में समझा था ना, फाला फुइला सामिया सुमिया, इस तरह अब आपने यहां देखें किया गया वो एक मर्द, क्या किया कुछ गया, ठीक है उसके साथ कुछ किया गया, किसने किया किया हमें नहीं पता, क्या किया गया ये बात जी मजहूल है ठीक ना है, हमें नहीं पता चल रहा, तो जी, फेल मजहूल वो फेल होगा जिसमें करने वाला यानी जो फाइल है वो मालूम ना हो। ना बाकी इसका जो तर्जमा है, पहले हमने फाला किया उस मर्द ने, उस एक मर्द ने, यहां किया जाएगा फुइला किया गया वो एक मर्द। तो आप क्या करेंगे, मेरे ख्याल से ये तर्जमा जो है सारे का सारा आपको जाहिर सी बात है ये मिलता ही है तो आपको आ जाएगा। अब आप मुझे बताएं कि कितने सीगे आप इजीली याद कर सकते हैं, आई थिंक आता है, जस्ट प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है फोइला फोइला फोइलू फोइला थोड़ा फोइलना आप फोइलता ऐसा फोइल, करें इसके छह ओके सीगे कर लें गायब के, ठीक ठीक है गायब के करें, और अब ये जो छह सीगे आप लोग करेंगे कोशिश करनी है अलामात साथ ही अच्छे से जहन नशीन कर लें, ठीक ठीक है अलामात, पहला तो सीधा सीधा हरूफ असली फाइन लाम पे, उसके बाद क्या है सिर्फ अलिफ का इजाफा, वाव अलिफ का इजाफा, उसके जी बाद ता साकिन, फिर ता अलिफ, फिर नून मफतू, जी ठीक है ये तो वही रहेंगे ना जो पहले हैं, आप कह रही हैं ना जो, बिल्कुल पहले हाँ हैं लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है ओके ठीक है, जी और ये जो फू इला ये जहन में रखना है पहले जो है पेश है जी नेक्स्ट जो कस्टर हमने तब्दीली की बिल्कुल ठीक है, और उसके बाद सारा जो आइन कलमा है सब के ऊपर जेर आ जी रही जी है, सब पे जेर आ रही है जो भी देख लें, और तर्जमा खसूसन आपने जहन में रखना है। अब देखें सिर्फ छह सीगे हैं, ये भी सोच सोच के नहीं बताने, अच्छे से बताने जी ठीक है। अब यहां देखें अलहदा से की गई है ठीक है, पहला सीगा जी फुइला, अब दूसरा फुइला फुइलू ठीक है, अब ऐसा करें जी इरम आप मुझे कोई सीगा बताएं फेल माजी मुसबत मारूफ का, और उससे फिर आप फेल माजी मजहूल का सीगा बनाएं, फतेहा बिल्कुल माशाल्लाह, फुतिहा जी, से फत पहले पहले जी जो है आप मारूफ का बताएं, माजी मारूफ में इसके क्या इराब होंगे, माजी मारूफ में जी जी फतेहा जी, इरम माजी मारूफ सॉरी फतहा फतहा, फाताहा बिल्कुल फाता सॉरी मेरे स्पेलिंग से था, मैं समझ कोई गया मसला जी नहीं, फाताहा फाला के वजन पे वजन ठीक पे जी बिल्कुल, पहले है, अब फाताहा से जब हम क्या बनाएंगे माजी मुस्बत मजहूल मजबूर, बनाएंगे तो फिर क्या वजन आएगा क्या सीगा आएगा, हाँ ऐसे ही रहेगा ताकि नीचे कसरा आ जाएगा और फा पे पेश आ जाएगा हमने कायदा जो सीखा वो बताएं जी,
फतहा में जो है इसका जो आखिरी हरफ है वो ऐसे ही रहेगा, यानी उस पर मफतू रहेगा, और आखिरी से पहले बिल्कुल हरफ जो है ता, उसके नीचे कसरा आ जाएगा, और सबसे जो पहले हरफ है वो मुतहरिक हरफ उस पे पेश आ जाएगा। बिल्कुल माशाल्लाह। और इसका तर्जमा क्या किया जाएगा? खोला गया वो एक मत, बिल्कुल ठीक जी है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अब हमने तो वो सीगा वैसे बनाया ना, और उसका तर्जमा हाँ भी वैसे किया। जी अब ये जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, लफ्जी तर्जमा जब हम करते हैं ना, अजीब सा लगता है, जी सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन जी जब बा मुहावरा किया जाता है फिर पूरी बात समझ आती है, क्योंकि फिर सीगे के साथ सीगा मिल जाता है और एक मुकम्मल जुमला बन जाता है, फिर फौरन जी हमें समझ आ जाती है। तो जब बिल्कुल हम लहजा से लफ्जी तर्जमा करते हैं तो फिर इसी तरह का तर्जमा होता है, समझ में नहीं आता। ठीक है माशाल्लाह। अब मम्मी आप मुझे कोई मिसाल दें, पहले माजी मारूफ का सीगा लें और उससे फिर आप माजी मजहूल का सीगा बनाएं। पहले फेल माजी उसका काताबा, ठीक है, कातबा माशाल्लाह, ठीक है, ये फेल माजी और फिर मारूफ का इसको जब सीगा हुआ। अब इससे हम माजी मजहूल कैसे बनाएंगे? हम मजहूल बनाएंगे तो ये बन जाएगा कुतिबा, कुतिबा। पूरा कायदा बताएं, माजी मारूफ से माजी मजहूल बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें जो सबसे आखिरी बा है जो लाम के वजन पे फाला के लाम के वजन पे, उसके ऊपर उसको वैसे ही रहने देंगे, कोई ठीक है, रहने चेंजेस दिया, नहीं करेंगे। उसके बाद जो उससे पहले आ रहा है मतलब आखिरी से पहले वाला जो लफ्ज है उसके नीचे जेर आ जाएगा, ठीक है, और जो मुतहरिक है जो पहला लफ्ज है उसके ऊपर पेश आ जाएगा, तो ये बिल्कुल कुतिबा। माशाल्लाह। ये काताबा से क्या बन गया? कुतिबा, कुतिबा बिल्कुल माशाल्लाह, ठीक है। और इसका तर्जमा क्या किया जाएगा? लिखा लिखा गया गया, वो एक मर्द, बिल्कुल लिखा गया या वो वो एक एक मर्द, मर्द ठीक है लिखा माशाल्लाह, गया। आपने बहुत अच्छी कोशिश की है। सबसे बड़ी बात थी सीगा बनाना जो आपने बना लिया, क्योंकि बस ना जी, ये माने तो तब आएंगे ना, अभी आप लोगों ने मतलब इतने मीनिंग्स पढ़े नहीं है, ये सीखे होता नहीं है। है, कोई मसला नहीं है, ये सबसे बड़ी बात थी जो आपने सीगा बना लिया, ठीक है माशाल्लाह। इसी तरह यहाँ देखे मुकम्मल सीगे लिखे हुए हैं, फुइला किया गया वो एक मर्द, फुइला किए गए वो दो मर्द, मर्द फुइलू किए गए वो सब मर्द, उसके बाद फुइलात, इसका तर्जमा क्या होगा? देखो किए गए वो सब सब, औरतों, किए और नहीं गए गई वो वो एक औरत, बिल्कुल, बिल्कुल, किए फुइला गए वो दो की गई औरतें, वो एक औरत, फुइला था की किए गए वो गई दो वो दो औरतें, औरतें, फुइलना किए गए वो की सब गई वो औरतें, सब औरतें, किया बिल्कुल। उसके बाद फुइलता, मतलब उसके बाद हाजिर का हो जाएगा ना, फुइल किया गया था तो एक मर्द, बिल्कुल, किया फुइल गया तो तुमा, किए गए तुम किए गए दो तुम मर्द, दो किए मर्द, किए गए तुम, सब मर्द, की बिल्कुल, फुइल तू, की गई गई तू तू एक एक औरत, औरत, सॉरी, की की गई गई तू तू एक औरत, फुइल तू, फुइल ती, की गई तू एक औरत, बिल्कुल तू एक औरत, बिल्कुल, ठीक है, फुइल ना, की गए हम बिल्कुल दो मर्द या दो औरतें या सब मर्द या सब औरतें, बिल्कुल, फुइल ना कौन सा सीगा है? जमा जमा मुतकल्लम मुजक्कर, मुजक्कर बिल्कुल मोनस मुतकल्लम। बिल्कुल माशाल्लाह, ठीक है, अच्छे से समझ आ गई सारी। अब फिर जागते हैं उनकी इंशाल्लाह। ये ग्रामर जो है ना, इसका वो हिसाब है, आपको पता मैथ जो है ना, जिन्हें मुश्किल लगता है उन्हें बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जब मैथ की समझ आ जाती है ना, तो वो जैसे हाँ हम करते जाते हैं वैसे वैसे बहुत भी बंदे को ना मतलब इंटरेस्टिंग भी होता इंटरेस्टिंग, था। हाँ बिल्कुल। तो इसी तरह ये अरबी ग्रामर है, जब आपको समझ नहीं आती मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे जैसे समझ आती है ना, फिर बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं, इंशाल्लाह। ठीक है माशाल्लाह। और अब आप लोगों ने कोशिश करनी है, इसके अलावा कुराने करीम से दो दो मस्तर जो हैं आपने ढूंढने हैं, उससे पहले आप फेल माजी मुस्बत मारूफ का सीगा बनाएंगे, और उसके बाद फिर आप उससे फेल मजहूल का सीगा बनाएंगे, ठीक है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास से पहले सेंड कर दीजिएगा जब भी आपके पास टाइम हो जी जी इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह, ठीक है? तो अभी के लिए मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह मैं दोबारा आपको लिंक सेंड करती हूँ, ठीक है? तो फिर आप जी क्लास में आ जाइएगा, मुझे इंशाल्लाह। भी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।